तो आज की इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप अपनी फेसबुक आईडी पर ब्लैक वेरीफाई बैच ले सकते हैं। एक होता है ब्लू बैच, एक होता है ब्लैक बैच। ब्लैक बैच को आप एक जुगाड़ लगा के अपनी फेसबुक आईडी पर ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे, तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, इसके लिए हमें एक जुगाड़ लगाना होगा और ये जुगाड़ फेसबुक एप्लीकेशन से नहीं लगेगा। इसके लिए आपको वाया ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अभी आपको यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक, तो आपके सामने फेसबुक की वेबसाइट आ जाएगी। आपको इस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो जिस आई डी पर आप ब्लैक वेरीफाई बैच लेना चाहते हैं वो आईडी आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पे नीचे की साइड आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी के सामने इस आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे फेसबुक की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अभी आपको यहाँ पे अकाउंट सेंटर पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी फेसबुक आईडी पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको फर्स्ट नेम भी हटा देना है और लास्ट नेम भी हटा देना है। इसके बाद आपको इस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। ये फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस फाइल को आपको कॉपी कर लेना है और जहाँ पर मेरा नेम लिखा हुआ है यहाँ पर आपको वो नेम लिखना है जिस नेम से आपने फेसबुक आईडी बनाई हुई है। इसके बाद आपको इस मैसेज को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। अभी आप दोबारा से ब्राउज़र में आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की साइड अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना है और आपको इस यूआरएल को यहाँ पे कट कर देना है और जो कोडेड फाइल अभी आपने कॉपी की थी वो कोडेड फाइल आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर देना है तो आपके सामने ये मैसेज आएगा। यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे दोबारा से अकाउंट सेंटर पे क्लिक करेंगे, इस यूआरएल को कट कीजिए, दोबारा से आपको वो फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इसके बाद आप इसे यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पर ये मैसेज आएगा। अभी आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस आपको 4 से 5 बार कर लेना है। तो मेरा 2 बार हो चुका है, तो तीसरी बार करता हूँ मैं इसको यहाँ पे। तो तीसरी बार भी कुछ नहीं हुआ है, तो चलिए अब चौथी बार करते हैं। अकाउंट सेंटर पे क्लिक करके मैं इस यूआरएल को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो अब आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा। ये मैसेज आपके सामने यहाँ पर आना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे इसे टिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। लो जी, आपका काम हो चुका है। अब आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर ब्लैक टिक आ चुका होगा। उसके लिए हम सबसे पहले इस पेज को यहाँ पे कट कर लेते हैं। अभी हम बैक चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपनी फेसबुक प्रोफाइल में ले जाके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी फेसबुक प्रोफाइल में यहाँ पे ब्लैक वेरीफाई टिक आ चुका है। और ये वेरीफाई बैच केवल ब्राउज़र में और फेसबुक लाइट एप्लीकेशन में देखा जा सकता है। अगर कोई आपकी आईडी ओरिजिनल फेसबुक एप्लीकेशन से देखता है तो वहाँ पर वेरीफाई बैच शो नहीं होगा। ये वेरीफाई बैच केवल ब्राउज़र में और फेसबुक लाइट एप्लीकेशन में ही दिखाई देगा। तो इस जुगाड़ से आप अपनी फेसबुक आईडी पर ब्लैक वेरीफाई बैच ले सकते हैं।